वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछूंगा हिस्ट्री के 10 सवाल और उसका जवाब भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अकबर के शासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व का संग्रह। सवाल नंबर टू, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगृह, जो कि विपुल चंद्र पहाड़ियों पर दिए थे। सवाल नंबर तीन, फिरोज तुगलक द्वारा राज्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का दफ्तर स्थापित कहां किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। सवाल नंबर फोर, किसने पर्दा प्रथा को प्रथम बार लागू किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर पांच, नाना साहब के साथ जुड़ा एक टाइल था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। सवाल नंबर छह, सिंधुवासी बाट एवं माप का प्रयोग किस अनुपात में करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 एवं उसके गुणक का। सवाल क्वेश्चन कुछ नहीं। आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। सवाल नंबर सात, जिलाधीश के पद के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर एट, पहला भारतीय कारखानों अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1881 में। सवाल नंबर नाइन, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल मैंने कल भी पूछा था। यदि आप मेरे चैनल के साथ रेगुलर हैं तो आपका जीके जीएस हर हाल में अच्छे होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड। सवाल नंबर टेन, आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किसने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। क्वेश्चन फॉर यू, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कब शुरू किया गया था? आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं भी पता है आप वहां जाइए, आपको आंसर पता लग जाएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक अभी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। और आई बटन पे क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।